हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं इम्पोर्टेंस ऑफ LOR एंड LOR में कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, LOR बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे स्टडी अब्रॉड के लिए LOR कंपलसरी होता है, बहुत सारी कंपनीज में आपको जॉब करनी होती है तभी भी LOR का इतना इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। जब स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जाता है तब LOR का इम्पोर्टेंस तब पता चलता है, लेकिन कहीं भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई आपकी पोस्ट को आगे आपको प्रमोशन के लिए अप्लाई करना होता है और कोई और कंपनी के अंदर आप कहीं पे भी कुछ पिच करने जाते हो तो बहुत सारी जगह पे LOR चाहिए होता है, रिकमेंडेशन ऑफ लेटर। अब मैं बात कर रही हूँ आज दो चीजों की। LOR के अंदर आप बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो कौन सी मिस्टेक आपको करनी नहीं है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी। तो सबसे पहला मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट हो और ओवरसीज में पढ़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले LOR का मतलब पता होना चाहिए कि जो लेटर होता है वो कौन देता है। आपका एज अ स्टूडेंट हो, आपको LOR चाहिए तो आपने जहां से भी आपका एज ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आपका स्कूलिंग जहां से हुआ है और आप कहीं और पे अप्लाई करने जा रहे हो मास्टर्स के लिए या कोई भी डिग्री के लिए, तब LOR की इम्पोर्टेंस होती है। अब आपको उसमें क्या ऐड करना होता है, LOR आपकी कॉलेज में से देते हैं। लोग क्या करते, ज्यादातर गूगल पे जाते, सर्च कर लेते, बहुत सारे LOR के टेम्पलेट्स ले लेते, उसमें से कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ट्यूटर को बोलते हैं या फिर आपके टीचर्स होते हैं जो भी होते हैं उनको बोल देते हैं, कंसर्न पर्सन को, कि आप इसमें जो भी आपको अच्छा लगता है ऐड करके मेरे को साइन करके दे दो। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप LOR लिखते हो तो आपको खुद से लिखना होता है, उसमें आपको प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, आपने और आपके फ्रेंड दोनों ने LOR लिखा है, दोनों ने एक ही टेम्पलेट लिया है, एक ही टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करके आपने सबमिट किया है, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ कि LOR के अंदर आपको क्या करना है, जो नहीं ऐड करना वो बता दिया, अब आपको ऐड क्या करना है। जब स्टूडेंट हो तो आप अगर आपके ट्यूटर के पास जाते हो तो ट्यूटर को भी काफी टाइम पे नहीं पता होता है कि इसमें क्या ऐड करना होता है, तो आपको LOR में ऐसा सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपने कुछ एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ इमरजेंसी आई, आप अटेंड नहीं कर रहे थे तो आपने बाद में आके वो अटेंड किया, बाद में आके उसको कम्प्लीट किया या आपका रिसर्च वर्क कम्प्लीट करके उनको सबमिट किया, ये चीज आप ऐड करवा सकते हो। ऐसा नहीं ऐड करना है कि आपके क्लास, ये बच्चा मेरी क्लास में फर्स्ट आया था या उसका परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा है, वो ग्रेड में दिख ही रहा है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। बट उन्होंने ऐसा क्या एड ऑन किया है कि उन्होंने किस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उनमें कौन कौन सी स्किल है, कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज है, वो सारी चीजें उनमें ऐड करनी है। जो उन्होंने किया है वो तो आपको पता है एज अ रिजल्ट, पर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या है वो भी LOR में ऐड करनी होती है। अब लगा कि भाई आपने XYZ पार्टिसिपेंट किया है या जो भी आपने LOR के अंदर मेंशन किया है तो मेक श्योर उसके प्रूफ होने चाहिए। विदाउट प्रूफ LOR कोई मतलब नहीं रखता, किसी को दिखाएगा कि नहीं कि आपने क्या अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्टूडेंट लेवल पे इतना होता है। जब आप प्रोफेशनल वे में जाते हो तो प्रोफेशनल वे में भी बहुत सारे लोग कहीं से भी कुछ भी डिटेल उठा के डाल देते हैं, ऐसा मत करो। आप क्यों, आपका रिकमेंडेशन किसके लिए है, किसने दिया है और क्यों दिया है, वो तीनों चीजें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ जो दे रहा है वहां पे उसकी वैल्यू होगी कि ये रिकमेंडेशन तो इसने दिया है बट ये बंदा इसमें फिट ही नहीं हो रहा है तो क्या मतलब, राइट? तो मेरा आज का वीडियो में आपको वही बताना है कि आप जब भी LOR लिखो, एज अ कंपनी के लिए लिख रहे हो, स्टूडेंट के लिए लिख रहे हो, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 पैराग्राफ में लिखो, शॉर्ट लिखो बट प्रिसाइसली डिटेल लिखो, ताकि जो पढ़ने वाला है, बिकॉज नाउअडेज नो वन हैव अ टाइम टू रीड एंटायर 3 to 4 पेजेस, एक या दो पेज में वो कंप्लीट करो और उसके अंदर आपकी हर एक डिटेल डालो कि आप क्यों जहां पे अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, व्हाई योर प्रोफाइल कंसाइडर फॉर द XYZ प्लेटफॉर्म, कॉलेजेस और कोर्सेज। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको LOR के सैंपल्स वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग।